अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी जो मैं आपके लिए एक रिश्ता जो है आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए लेकर आया हूँ ना, हमारे दोस्तों के लिए, मर्द हजरात के लिए जिनकी उम्र जो है वो 50 साल तक हो या इससे कम हो, और वो चाहते हों पहली या दूसरी शादी करना। तो रिश्ते की तरफ चलते हैं, इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है और हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहेगा। तो आज जो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो खातून है इनका नाम है मुजम्मिल बीबी। मुजम्मिल जो है हमारी बहन, इनकी जो उम्र है इस वक्त वो है जनाब 46 ईयर्स, यानी कि 46 बरस। तो ये जो खातून है मुजम्मिल बीबी, इनकी तालीम मैट्रिक है। इसके अलावा खूबसूरत हैं, इनकी हाइट जो है वो 5 फुट है। लेकिन जो है असल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक तलाक याफ्ता खातून है। इनकी जो है तलाक तकरीबन जो है 3 साल पहले हुई थी, यानी कि 3 साल हो गए हैं इनको अपने शोहर से अलहदा हुए। बच्चे जो हैं इनके, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे जो हैं इनके पहले शोहर के पास ही रहते हैं, यानी कि अपने जो हैं फादर के पास रहते हैं। तो मुजम्मिल बीबी जो है इनकी तालीम मैट्रिक है। इसके अलावा जो है इस वक्त जो है ये अपने जो है बहन भाइयों के साथ ये लाहौर सिटी में रहती हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर पे। तो ये जो है 6 बहन भाई हैं, तमाम शादीशुदा हैं। तो तमाम जो है अलग अलग अपने अपने घरों के हैं, वालदैन का इंतकाल हो चुका है। तो इनके जो भाई हैं मोहम्मद रियाज साहब, जो कि उम्र में तो इनसे छोटे हैं, वही जो है इनके इस वक्त सरपरस्त हैं। तो जो है आपको अगर जो है इनसे शादी के अबाउट बात करनी होगी, तो इनके जो भाई हैं मोहम्मद रियाज साहब, उनसे जो है आप बात कर सकते हैं। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र जो है 50 साल तक हो और वो पहली दूसरी शादी करना चाहते हों और शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हों, तो वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे राबता कर लेंगे और इस फैमिली से हम आपको मिलवा देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, हमें इजाज़त दें और हमें भी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।